जनविकास आवाज़ में मैं संतोष जायसवाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। साथियों, बड़े दुख की बात है कि अखिलेश जायसवाल नामक युवक नवंबर की 28 तारीख से लापता है। एरोली में रहते थे और 28 तारीख के बाद से उनका पता नहीं चल रहा है कि कहां गए हैं। और पुलिस चौकी में भी, थाने की पुलिस चौकी में, एरोली की पुलिस चौकी में भी कंप्लेन लिखाया गया है। और हमारे बीच में अखिलेश जी के पिताजी जो गांव में रहते हैं, पूरा फैमिली इनका गांव में रहता है। यहां अखिलेश जी अपने बहन के यहां, बहन के घर पे रहते थे और परिवार पूरा गमगीन है और बहुत बहुत ही दुख है परिवार में। तो अखिलेश जी अगर कहीं पे हो, परिवार से कुछ नाराज़गी हो, तो जनविकास आवाज़ चाहेगा कि वो जल्द से जल्द अपने परिवार से संपर्क करें और शीघ्र अतिशीघ्र जो है संपर्क में आ जाएं। साथियों, हमारे बीच में उनके पिताजी श्री मखरू राम जी हमारे बीच में यहाँ पर आए हुए हैं। हम चाहेंगे कि लखरू राम जी एक मैसेज दें कि जहाँ कहीं भी हो, अगर उनकी आवाज़ सुन रहे हैं तो आप जल्द से जल्द संपर्क करें और बहुत ही परेशानी और दुख में हैं। तो लखरू राम जी, आप एक संदेश हमारे चैनल के माध्यम से हमारे साथियों को दें। मैं यही चाह रहा हूँ कि मेरा बेटा अगर कहीं पे हो, मेरी आवाज़ अगर पहुँच रही है तो जल्द से जल्द संपर्क करें, क्योंकि घर पे उसकी माँ का फ्रैक्चर हो गया, गिर गई सोते सोते, उसका हाथ टूट गया है, अभी उसको आराम नहीं है। हम भी इधर घूम रहे हैं पागलों जैसा। तो जहाँ कहीं है अगर संपर्क में आएंगे तो बहुत जल्दी बहुत अच्छा होगा। हम लोग पाके आपको कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, कुछ शिकायत नहीं है। कहीं अगर आवाज़ पहुंच रही है तो जल्दी जल्दी संपर्क करें। किसी से नाराज़गी है तो हमसे कुछ लेना देना नहीं है, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। हम देख सकते हैं साथियों कि किस तरह से दुख की बात है कि लखरू राम जी कितने दुखी हैं और माता जी के बारे में बता रहे हैं। तो अखिलेश जी से हमारे चैनल के माध्यम से बहुत ही नम्र विनंती है कि जल्दी से जल्दी आप अपने माता पिता से संपर्क करें और कोई भी गिला शिकवा आपके माता पिता की तरफ से नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितने परेशानी में, कितने मुश्किल से वो दिन निकाल रहे हैं, क्या हालत है उनकी। केवल आपके लिए वो गाँव से बम्बई में आए हैं, इसलिए आप हमारी यही गुजारिश है आपसे अखिलेश जी कि आप जल्दी से जल्दी अपने घर वालों से संपर्क करें। और क्योंकि दुख बहुत है और आप, जैसा कि आपके पिताजी ने बताया कि अकेले हो आप, तो मैं यही चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्द संपर्क करें। और तमाम हमारे साथी जो इस चैनल को देख रहे हैं दूर दराज से, बम्बई से या उत्तर प्रदेश से या गुजरात से या मध्य प्रदेश से, दिल्ली से, जो भी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, ये तस्वीर लगी हुई है, ये हमारे बगल में तस्वीर जो लगी हुई है, इसका एक संपर्क लिस्ट भी बनाया गया है मिसिंग का। तो आप उस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं, उनकी तस्वीर लगाई गई है। तो इस पूरे देश में इसको आप लोग अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, और जो भी तमाम सारे सोशल मीडिया चल रहे हैं, ग्रुप चल रहे हैं, तो सारे ग्रुप में इसको फॉरवर्ड करें और सारे ग्रुप को ये मैसेज दें कि जल्द से जल्द अगर कहीं भी अखिलेश जी जो मिसिंग है, अगर कहीं भी हमारे लोगों की आवाज़ सुन पा रहे हैं या किसी भी शख्स को इसकी जानकारी मिलती है अखिलेश जी के बारे में, तो हमारे चैनल से संपर्क करें। और उनके माता पिता का ये नंबर दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये नंबर दिया हुआ है, आप जल्द से जल्द संपर्क करें। धन्यवाद।